दीपावली को लेकर नीमच कृषि उपज मंडी में किसानों का मेला सजा है। बारिश में तबाही का शिकार हुई सोयाबीन की बंपर आवक मंडी में दिखाई दे रही है। हालांकि सोयाबीन में नमी है और दाम में गिरावट है। सोयाबीन का भाव 4000 से 5000 के बीच है, तो वहीं लहसुन में तेजी आई है। लहसुन 300 से लेकर 5000 तक बिका है। किसानों में भारी उत्साह देखने को मिला है। इसी बीच दीपावली को लेकर कृषि उपज मंडी से अवकाश का भी आह्वान हो चुका है। 22 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक कृषि उपज मंडी में अवकाश घोषित किया गया है। पोस्ता मंडी को लेकर मंडी सचिव ने यह भी कहा है कि जल्द ही प्रक्रिया पूरी होने के साथ पोस्ता मंडी भी विधिवत संचालित हो जाएगी। इसी बीच नीमच मंडी में जो गेहूं के भाव थे वे 2100 से लेकर 2650 तक थे, वहीं जौ के भाव 2850 से लेकर 3100 तक थे। मक्का 1500 से 2300 तक था, तो वहीं डॉलर चना 85 से 10800 तक बिका है। मसूर 5800 से 6150 बिकी है, तो वहीं उड़द 45 से 7750 तक बिकी है। सोयाबीन 4000 से 5000 तक बिकी है, तो मूंगफली 4000 से 6000 तक बिकी है। अलसी 5700 से 6000 से अधिक बिकी है। रायड़ा 5600 से 6300, कलौंजी 9500 से 12000 तक, इसबगोल 14000 से 15000 तक, मेथी 4000 से 6000 तक, धनिया 8500 से 11000 तक, अजवाइन 8200 से 11000 तक, तिल्ली 11000 से 12000 तक, लहसुन 300 से 4700 तक, प्याज 500 से 1900 तक बिका है। देखिए सोयाबीन करीब 7 से 8 हज़ार बोरी आ रही है और यह आवक धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि आगे त्यौहार भी आ रहे हैं और किसान भाइयों को पैसे की भी ज़रूरत है, तो आवक निरंतर बढ़ती जाएगी।